बीते रोज हरियाणा पुलिस के दो दिनों के बंदोबस्त को चंद घंटों में उखाड़ कर भारी तादाद में किसान पंजाब से दिल्ली रवाना हो गए। ऐसे में अब एक बार फिर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने किलेबंदी कर दी है। आज सुबह सुबह हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर फिर पुलिस ने नेशनल हाईवे पर बैरिकेड्स और पत्थर लगाकर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। वहीं मौके पर कई वाटर कैनन और दमकल विभाग की गाड़ियां और भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। ऐसा ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी पंजाब से और किसान दिल्ली रवाना होने की पुलिस को गुप्त सूचनाएं मिल रही हैं, जिसके चलते आज भी बॉर्डर को सील कर दिया गया। वहीं अंबाला के एसपी भी मौके पर मुआयना करने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि किसानों ने 26 और 27 तारीख को दिल्ली कूच की कॉल दी थी और आज 27 तारीख के मद्देनजर बॉर्डर पर बंदोबस्त किए गए हैं, और अगर अब कोई किसान पंजाब से हरियाणा आता है तो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए, जैसे आपको पता भी होगा, किसानों की जो दिल्ली कूच की कॉल है वो दो दिन की रही है, 26 और 27 की। तो आज चूंकि कल 26 तारीख थी, तो कल भारी मात्रा में पंजाब साइड से, जैसे हम आज इस लोकेशन पे खड़े हैं, ये पंजाब हरियाणा का जो शंभू बैरियर है, हम अपनी बाउंड्री में खड़े हैं और हमने यहाँ पर कंप्लीट ब्लॉकेट लगा दिया है, क्योंकि आज 27 तारीख है। तो आज के लिए भी हमारे पास इनपुट है कि पंजाब साइड से काफ़ी भारी मात्रा में और संगठन, किसान संगठन जो हैं, जो कल नहीं जा पाए, वो आज यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे बाकायदा कल की तरह सेम इंतज़ाम है, ब्लॉकेट्स हैं, सारा हमारे पास फोर्स है, सारा दंगा निरोधी उपकरण है, सारे बंदोबस्त हैं। हम आज भी कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ से कुछ ना करने दिया जाए और हालात जो हैं, स्थिति सामान्य रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अंबाला से BS गुलानी की रिपोर्ट।